नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भारतीय टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन वनडे टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आपको 400 लाइक के टारगेट तक पहुंचाना है दोस्तों, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के बाद अब वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। इस वनडे श्रृंखला का पहला वनडे मुकाबला आज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों भारतीय टीम में इस मुकाबले में दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को इस वनडे श्रृंखला के पहले मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला। वहीं दोस्तों लोकेश राहुल को इस मुकाबले में बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत की जगह टीम में शामिल किया गया। उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने भारतीय टीम को एक लाजवाब शुरुआत दी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 64 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इन दोनों ने भारतीय टीम का 15वें ओवर तक एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में जॉस बटलर को अपना कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा को 28 रनों के स्कोर पर बेन स्टोक ने आउट करा। दोस्तों रोहित शर्मा के जैसे बड़ी विकेट मिलने के बाद इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सेट बल्लेबाज शिखर धवन का बखूबी साथ निभाया और भारतीय पारी को एक तेजी प्रदान की। दोस्तों इन दोनों के बीच 100 रनों की एक मजबूत साझेदारी बनी। इसी बीच इन दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। दोस्तों इन दोनों ने भारतीय पारी को 32वें ओवर तक संभाले रखा, लेकिन फिर 33वें ओवर में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोइन अली को अपना कैच थमा बैठे। विराट कोहली 60 गेंदों में 56 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। वहीं विराट के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और महज 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी छोर से शिखर धवन आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। शिखर धवन इस पहले वनडे में गजब के फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने नए बल्लेबाज लोकेश राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पहले पारी के 39वें ओवर में खराब शॉट के चक्कर में शिखर धवन आउट हो गए। दोस्तों शिखर धवन केवल 2 रनों से अपने इस पहले वनडे मुकाबले में शतक से चूक गए। शिखर धवन ने 106 गेंदों में 98 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और उसके बाद आउट हो गए। वहीं शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या से सभी को एक तेज तर्रार पारी की उम्मीद थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या को भी जॉनी बेरेस्टो के हाथों बेन स्टोक ने कैच आउट कर हार्दिक पांड्या केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर उनके बाद बल्लेबाजी करने आए उनके भाई कृणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने लोकेश राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाए और भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।